वो कहते हैं ना कि दूसरों का गम और दूसरों की खुशियां उन्हीं के पास अच्छी लगती है, जब अपने पास आती है ना तो या तो वो हम संभाल नहीं पाते या फिर उसको उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल शिलायुग पॉजिटिव। मैं आपके सामने एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी लेके आया हूं। आज कुछ अलग करते हैं, आज आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जो शायद सुनने के बाद आपकी पूरी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी, दूसरों को देख के जलने की, दूसरों के दुख से परेशान होने की, क्योंकि जो जिसके पास होता है वो वैसा ही अच्छा लगता है। सो ये कहानी है बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति की जो बहुत ही पूजा में बिलीव रखता था। सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करना, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाना, सुबह शाम रेगुलर बेसिस पे ये करता था। और आस पड़ोस के लोग यही सोचते थे कि यार ये जो व्यक्ति है बहुत बढ़िया है, और उसके जो दोस्त सगे संबंधी यही समझाते थे कि यार तुम बहुत सही हो और तुम बहुत अच्छे तरीके से भगवान की पूजा करते हो, तो शायद तुम्हारे लिए भगवान कभी भी गलत रास्ता चुन ही नहीं सकते। तो दोस्तों लेकिन परिस्थिति उस लड़के की नजरों में बहुत ही अलग थी। वो लड़का बहुत परेशान रहता था, उसकी फैमिली के अंदर परेशानी चलती रहती थी, उसकी साथ जो प्रोफेशनल लाइफ है जॉब के अंदर परेशानी रहती थी, प्रमोशन नहीं होता था, सैलरी नहीं बढ़ रही थी, कभी कुछ काम करने जाए तो वो खराब हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट परेशान हो गया था। लेकिन एक दिन वो जब सब जगह से दुखी हो गया तब उसने भगवान को एक बार बहुत बोला कि मुझे आपसे बात करनी है, आपको मेरे सपनों में आना ही पड़ेगा, मुझे नहीं पता। और चमत्कार की बात यह है कि वो जिस तरीके से भगवान की पूजा करता था भगवान ने भी उसकी सुन ली, और रात को सपने के अंदर भगवान आते हैं। ये दृश्य कुछ इस तरीके से है कि श्री कृष्ण भगवान जी उसके सपनों में आते हैं और वो एक ऐसे मैदान के अंदर खड़े होते हैं जहाँ पे पीछे बरगद का बहुत विशाल वृक्ष है। तो पूछते हैं, हाँ बेटा बताओ क्या परेशानी है। अब वो बहुत खुश होता है और अपनी सारी परेशानी एक एक करके बताने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब सोल्यूशन मुझे शायद मिल जाए। वो अपनी परेशानी बताता है कि मैं फैमिली के अंदर परेशान रहता हूँ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, मैं कुछ भी काम अच्छा करता हूँ तो वो मेरे साथ ही गलत होता है, हमेशा मेरे साथ ही गलत होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं उसके बाद उनके साथ बहुत अच्छा होता है। तो भगवान जी सुनते रहते हैं, बताते रहो। तो जब ये सारी बातें वो उनको बता देते हैं तो भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं आपको इस चीज़ का आज हल दे के जाता हूँ। तो वो लड़का मन ही मन बहुत खुश होता है कि चलो आज ये दिन आ गया जब मेरी सारी परेशानी खत्म होने जा रही है। तो भगवान उनसे बोलते हैं कि वत्स एक काम करो कि अपनी जो भी परेशानी है वो लिख करके एक पोटली में डाल दो, और मेरे पीछे जो ये बरगद का वृक्ष दिखाई दे रहा है इसके अंदर आप उसको छोड़ दो, बट एक शर्त है। वो शर्त इस तरीके की है कि आपको उसके बदले एक पोटली उठानी पड़ेगी। तो वो लड़का बहुत खुश होता है, चलो ठीक है, मैं बहुत लकी हूं कि मुझे भगवान दिखे और मुझे इस परेशानी का हल मुझे हैंड टू हैंड वो दे रहे हैं। तो उसके बाद तो वो सारी परेशानी को लिख करके उसके अंदर डालता है और वृक्ष के पास रख देता है। अब वक्त आता है दूसरी पोटली एक्सचेंज में उठाने का। जब वो दूसरी पोटली उठाता है तो वो ये देखता है कि सबसे छोटी पोटली कौन सी है। अब वो जिस तरीके से वो दूसरी पोटली को उठाता है तो उसके मन में एक सवाल आता है, कहीं ये एक बहुत छोटी सी पोटली थी, इसमें ये ही तो नहीं लिखा कि आपका आज लास्ट डे है। तो वो डर करके वो वापस वो पोटली रख देता है। फिर वो दूसरी पोटली उठाता है, कहीं उसको लगता है कि यार इसमें कहीं मेरे सगे संबंधी की किसी की मृत्यु तो नहीं लिखी, तो वो भी छोड़ देता है। उसके बाद वो लिखता है कि कहीं यार जब वो दोबारा पोटली उठाता है तो सोचता है कि यार कहीं इसमें मेरे साथ और परेशानी तो नहीं लिखी। तो वो बोलता है प्रभु आपने कैसे संकट में डाला है, मुझे मेरी पोटली वापस ही चाहिए। तो भगवान फिर उसके पास दर्शन देते हैं। तो भगवान उसको यही बोलते हैं कि बेटा जैसे आपने अपने दुख की पोटली उस वृक्ष में डाली, तो उस वृक्ष में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी परेशानी आपसे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि जो भी परेशानी है सिर्फ उससे लड़ना सीखो, क्योंकि हालात अपने आप ही चेंज हो जाते हैं आपके हिम्मत के आगे। सो दोस्तों
मैं रोहित कुमार बैश आपसे सिर्फ इस कहानी के माध्यम से सिर्फ यही पूछना चाहूँगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आप कितने ऐसे परेशानी में जूझ रहे हैं जो आपको लगता है कि ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए। सो ऐसे ही कहानियों को देखने के लिए मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए कि आगे लोगों में ये आप फॉरवर्ड कर सकें ताकि हमारा सब्सक्राइबर बेस और बढ़ सके और मैं ऐसे ही हिम्मत के साथ आपके सामने और नई नई स्टोरी लेके आऊँ। सो थैंक यू सो मच।